मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल जियोग्राफी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अतिवाद या उग्र सुधारवाद या क्रांति परक भूगोल, कई नामों से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में आपको मिलेगा रेडिकल जियोग्राफी या रेडिकलिज्म इन जियोग्राफी, तो आप इसके हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स को याद रखिएगा। हम लोग इस समय समकालीन चिंतन फलकों का अध्ययन कर रहे हैं भूगोल में, और प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति पहला उसको हमने देख लिया। फिर हम लोगों ने व्यवहारवाद को भी देख लिया, मानववादी भूगोल को का भी अध्ययन हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। अगर आपने ये सारे अध्ययन नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रेडिकल जियोग्राफी, अतिवाद या उग्र सुधारवाद, जिसे हम क्रांति परक या मार्क्सवादी भूगोल के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसकी स्टडी करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो खैर सभी हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जियोग्राफर्स हैं, वो हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं चीज़ें यहाँ से हमारी तैयार होंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं आपको क्रम बता देता हूँ कि कैसे हम पढ़ेंगे। मेन कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा हमें जोर देना चाहिए। जैसे रेडिकल जियोग्राफी है तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब बात क्या की जा रही है इसमें, और रीज़न फॉर डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये, मतलब मेरे लिखने का ये तात्पर्य है कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ उसके पीछे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, इसके विकास के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे, क्यों इसका विकास हुआ और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। फिर मैंने लिखा है मेन थिंकर्स, बुक्स, मैगजीन्स इत्यादि। इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं, मतलब भूगोलवेत्ता इत्यादि हैं, विद्वान लोग हैं, किताबें उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैगजीन्स भी इसमें हैं। और इसी को पढ़ने के क्रम में हम उनकी इंपॉर्टेंस को भी देखेंगे कि उनकी बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उन विद्वानों ने बताया है। और ये सारी बातें करने के बाद थर्ड नंबर पे फाइनली हम आ जाएंगे इसके क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, और आलोचना के साथ ही मैं आपको बताऊंगा लास्ट में आप इसका सारांश कैसे लिखेंगे, सारांश नहीं सॉरी, लास्ट में आप इसका निष्कर्ष क्या देंगे। तो ये तीन हेडिंग हो गई आपकी। इसके बाद चौथी हेडिंग जो मैं क्रिटिसिज्म में ही बताऊंगा वो होगा इसका निष्कर्ष। तो चलिए हम लोग अपनी पहली हेडिंग से शुरू करते हैं, मेन कॉन्सेप्ट से। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको मैटर दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये है इसके मेन कॉन्सेप्ट का मैटर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ क्या बातें यहाँ बताई गई हैं। पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि मेन कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ इतना बताना है, ध्यान से सुनिए जो भी मैं बता रहा हूँ, और उसको भी नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखे रहा करिए और नोट्स बना लिया करिए, और जो भी मैं बोला करूँ उसको भी आप रफली नोट कर लिया करिए। इससे बहुत अच्छे तरीके से आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। रेडिकल जियोग्राफी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो हमारे ये जियोग्राफर्स हैं, जो रेडिकल जियोग्राफी के समर्थक हैं, ये दिन प्रतिदिन की सामान्य चीज़ों को अपने अध्ययन में शामिल करते हैं, और ये भूगोलवेत्ता सामाजिक जीवन से जुड़ी समस्याओं में रुचि रखते हैं, जैसे कि भोजन की समस्या, घर, शिक्षा के अवसर, अन्य सुविधाएं। और एक बार समस्या का पता चल जाने के बाद ये भूगोलवेत्ता उसके समाधान के विषय में भी सोचते थे, ये इसके प्रति प्रतिपादित थे सॉल्यूशन के लिए। मतलब कि अब आप देखिए, रेडिकल जियोग्राफी में मात्रात्मक क्रांति में क्या था, मैथ, जियोमेट्री, स्टैटिक्स की खूब बात हो रही थी। व्यवहारवाद में क्या हुआ, व्यवहारवाद में बात होने लगी व्यवहार की। मानववादी भूगोल में मनुष्य को प्राथमिकता दी गई, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जो रेडिकल जियोग्राफी है, जब ये आई, मतलब इसके आने का कारण ये था कि विद्वानों को ये लगा कि भूगोल विषय में तो जो हमारे विद्वान थे उनको यह महसूस हुआ कि जो हमारा भूगोल सब्जेक्ट है, जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है, ये मनुष्य की जो समस्याएं हैं उसका समाधान तो कर ही नहीं पा रहा है। लंबी लंबी थ्योरीज लिखने का, जटिल से जटिल मॉडल्स को बनाने का कोई भी मतलब नहीं है अगर वो मानव की समस्याओं का समाधान ना कर सके। तो इसीलिए इस विचारधारा का उदय हुआ
और आप यहाँ देख सकते हैं जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, इससे बिल्कुल साफ ये स्पष्ट हो रहा है कि बिल्कुल एक तरीके से भूगोल विषय का स्वरूप बदल चुका था। भूगोल एक कह सकते हैं कि अलग ही तरह का विषय बनने की ओर बढ़ चुका था। कैसा विषय? एक विश्वविद्यालय विषय से हट करके एक ऐसा विषय बनने की ओर आगे बढ़ रहा था भूगोल, जिससे कि मनुष्य की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप इसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं अपने से और इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ, रेडिकल जियोग्राफी का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो ये भूगोलवेत्ता थे, ये जोर किस पे देते थे? ये बड़े बड़े मॉडल्स के फॉर्मेशन पे जोर नहीं देते थे, थ्योरीज के फॉर्मेशन पे जोर नहीं देते थे, या कहीं पर्वत का अध्ययन कर रहे हैं, पठार का अध्ययन कर रहे हैं, प्लेट विवर्तनिकी का अध्ययन कर रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, या ओशनिक बॉटम रिलीफ की स्टडी कर रहे हैं। ये भूगोलवेत्ता इस पर फोकस करते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा किस किस बात पे जोर देना है। हमें जोर देना है कि हम किस प्रकार की स्टडी करें कि ज्यादा से ज्यादा मानव कल्याण हो सके, उनकी जो भी मनुष्य की समस्याएं हैं वो दूर हो सके। तो इनका जो फोकस था वो पूरी तरीके से इसी चीज पे था। अब हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स, रीजन फॉर डेवलपमेंट, आपको याद है कि हमने पहले ही हेडिंग में दो पार्ट किए थे। पहले हम लोगों ने देखा मेन कॉन्सेप्ट, वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका जो रीजन फॉर डेवलपमेंट, क्यों इसका विकास हुआ, क्या कुछ रीजंस इसके पीछे रहे। ये समय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, ये बेसिकली जो हमारी ये विचारधारा है रेडिकल जियोग्राफी की, जो टाइम पीरियड ऑलमोस्ट ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी का 1960 के दशक का जो अंतिम वाला समय है, कह सकते हैं 1965 के बाद का टाइम पीरियड, ऑलमोस्ट उसी टाइम में इस विचारधारा का भी डेवलपमेंट हो रहा था, 1960 वाला दशक। और लोगों के दिमाग पर मार्क्सवादी सोच हावी हो रही थी। लोगों को लग रहा था कि सभी के पास समान अवसर नहीं थे, किसी विशेष वर्ग के पास पूंजी का संकेंद्र था, और मार्क्सवाद में आप जानते ही हैं, कभी हम बात करेंगे उस पर। और आपने अगर हमारे चैनल पे मार्क्स का जनसंख्या भूगोल का एक सिद्धांत है जनसंख्या वृद्धि से संबंधित, उसको जरूर देखिएगा, वहां से आपकी कुछ चीजें क्लियर होंगी। और जनरली मार्क्स के बारे में हम जानते हैं कि मार्क्स समाज को दो भागों में बांटते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग, और ऐसा मानते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है उसका शोषण होता है, और कर्ता कौन है? पूंजीपति वर्ग। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऐसी स्थितियां हैं, किसी विशेष वर्ग के पास पूंजी का संकेंद्रण है। चौथा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वियतनाम वार। वियतनाम वार को थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा। जनरली हुआ क्या उस समय वियतनाम वार के समय, कि वियतनाम वार की काफी बड़ी भूमिका रही रेडिकल जियोग्राफी के पीछे, क्योंकि रेडिकल जियोग्राफी को हम मार्क्सवादी भूगोल नाम भी देते हैं। इसके पीछे रीजन ये है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वियतनाम वार पे आपको बहुत लंबा कुछ नहीं लिखना है। मैं चाहूँ तो वियतनाम वार पे थोड़ा डिटेल में भी बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको समझने के लिए मैं यहाँ इतना बता रहा हूँ कि वियतनाम वार में क्या हुआ था। यूएसए और वियतनाम में युद्ध हुआ था, जिसमें यूएसए की हार हुई थी। हुआ क्या कि पहले क्या था, जो आज हम लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को अलग अलग देशों के रूप में देखते हैं, एक समय ऐसा था कि ये सभी एक ही कह सकते हैं कि जुड़े हुए थे, सभी सभी के सभी। इसके पश्चात क्या होता है कि 1940 से 50 का जो दशक है, उसी समय में जो ये तीनों देश हैं ये अलग हो जाते हैं, युद्ध इत्यादि होते हैं और ये तीनों देश अलग हो जाते हैं। आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसके बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, किसकी कॉलोनी थी, क्या था, क्योंकि उतनी व्याख्या हमें नहीं करनी है, हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ना है यहाँ पर। हमें सिर्फ इतना जानना है कि वियतनाम वार की क्या इंपॉर्टेंस रही। तो जब तीनों देश अलग हो गए, और यहाँ से आपको ध्यान से सुनना होगा, 1940 से 50 वाला टाइम पीरियड चल रहा है, वो दशक चल रहा है, और वियतनाम के दो पार्ट हो जाते हैं, एक उत्तरी वाला एरिया हो जाता है, एक दक्षिणी वाला एरिया हो जाता है हमारा वियतनाम में। और होता क्या है कि जो हमारा नॉर्थ वाला वियतनाम है वो
वहां पर कम्युनिस्ट सरकार अपना एक तरीके से कह सकते हैं आधिपत्य जमा लेती है, और जो साउथ वाला है वो थोड़ी सी पश्चिमी विचारधारा के समर्थक होते हैं। वहां पर यूएसए, यूके इत्यादि अपना कह सकते हैं कि पावर दिखाते हैं, समर्थक होते हैं वहां के। और नॉर्थ में कम्युनिस्ट सरकार है, तो वहां पर जनरली हमारे यूएसएसआर और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये लोग उसके समर्थन में थे। और हम जानते हैं कि यूएसएसआर इत्यादि जो ये सारे हैं जो नॉर्थ वाले के समर्थन में थे, ये मार्क्सवादी विचारधारा, क्योंकि ये इसको मानते थे, और ये कम्युनिस्ट वाले थे। अब हुआ ये कि यूएसए में और वियतनाम में यहाँ पे लड़ाई होती है। लड़ाई बेसिकली होती है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में, लेकिन साउथ वाले के सपोर्ट में था यूएसए, तो यूएसए को भी हम मान रहे हैं कि यूएसए ने भी अपना वहां समर्थन दिया। और लड़ाई किससे हुई इनकी? नॉर्थ वियतनाम से, जहां पर कम्युनिस्ट सरकार थी यूएसएसआर की, यूएसएसआर से समर्थन उसे प्राप्त था, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से समर्थन प्राप्त था। और होता यह है कि यूएसए की हार हो जाती है, और लोगों को ये लगता है कि जो हमारे ये देश हैं यूएसएसआर और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार है, वो तो जो यूएसए के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्क्सवादी सोच यहाँ पर लोगों के अंदर हावी होने लगती है। ये बहुत ज़्यादा, बहुत डिटेलिंग हम इसकी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक हिंट मिल गया होगा कि जो मार्क्सवादी सोच धीरे धीरे लोगों के अंदर कह सकते हैं लोगों को प्रभावित करना शुरू की, तो उसके पीछे इस जो वियतनाम वार है इसकी बड़ी भूमिका रही थी। किंतु हर स्थान पे एक जैसी स्थितियां नहीं थी, बहुत सारे ऐसे भी एरियाज थे जहां पर काफी पॉवर्टी वाली स्थितियां थी। तो इसीलिए जो हमारे रेडिकल जियोग्राफर्स हैं उनको ये लगा कि भूगोल या जियोग्राफी को हमें एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में बनाना होगा जहां पर क्या हो, जो जो भी हमारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस रहे। कुछ भी आप इसमें से कुछ पॉइंट्स जो आपको याद हों आप दे सकते हैं, लेकिन जो ये वियतनाम वार वाला पॉइंट है इसकी ज़्यादा आपको व्याख्या नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा व्याख्या करने लगेंगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट करेक्ट चीज़ें बतानी होंगी कि कब कॉलोनाइजेशन हुआ, कब तीनों देश एक में थे, म्यांमार नहीं था, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इसके पश्चात कब उन तीनों को आज़ादी मिली, फिर कब वियतनाम में डिवीज़न हुआ, फिर कैसे कैसे वियतनाम नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में बट गया। तो ज़्यादा इसकी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। तो आप वियतनाम वार वाले पॉइंट में बस थोड़ा सा लिख सकते हैं कि नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार थी, साउथ वियतनाम का समर्थन यूएसए कर रहा था, तो यूएसए ने लड़ाई की किससे? नॉर्थ वियतनाम से, और हार गया। और लोगों को लगा कि मार्क्सवादी सोच लोगों को प्रभावित करने लगी। तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट तो खैर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पर्सनली मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर जो है इस विचारधारा के पीछे, इस विचारधारा के डेवलपमेंट के लिए, तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हम ऑलरेडी ऊपर एक जगह डिस्कस कर चुके हैं। वो पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। छठा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जो हमारे जियोग्राफर्स हैं, जो हमारे थिंकर्स हैं, उनको ये लगने लगा कि यद्यपि जियोग्राफी में इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी जा रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मात्रात्मक क्रांति आ चुकी थी, और बिहेवियरलिज्म जो हमारा व्यवहारवाद है उसकी भी स्टार्टिंग हो चुकी थी, तो जियोग्राफी में तो समृद्धि हो रही थी। जियोग्राफी का जो विषय, जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है, ये तो समृद्धशाली बनता जा रहा था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान नहीं हो पा रहा था, तो जियोग्राफर्स को ये महसूस हुआ कि क्यों ना हम एक ऐसी दिशा में कार्य करें जिससे जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान भी हो सके। तो सबसे बड़ा रीज़न रेडिकल जियोग्राफी के डेवलपमेंट के पीछे जो है वो ये है कि भूगोलवेत्ताओं की सोच धीरे धीरे बदल रही थी, वो अब लोगों के कल्याण के बारे में सोचना शुरू कर दिए थे। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लीजिए, और ये सबसे बड़ा इसका डेवलपमेंट का रीज़न है। बाकी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अनिश्चितताओं से भरा होना, और
जो मार्क्स वाले मार्क्सिज्म वाली बात है, वियतनाम वाली बात है, और ये सारे पॉइंट्स तो खैर इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पॉइंट मैंने अभी लास्ट में बताया है ये इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब तक जियोग्राफर्स को ही ये नहीं लगेगा कि अब आवश्यकता है एक नए विचार की, तो वो विचार आ ही नहीं पाएगा। तो विचारकों को ये लगा, और लगा क्यों, क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे हैं गरीबी की स्थिति थी। चारों तरफ गरीबी की स्थिति का मतलब कुछ एरियाज डेवलप्ड थे, भाई यूएसए डेवलप्ड तो था ही, लेकिन हर जगह एक जैसी स्थिति नहीं थी। कुछ जगहें ठीक ठाक थी और मैक्सिमम जो स्थितियां थी वो अच्छी नहीं थी। क्योंकि अभी आगे हम वेलफेयर जियोग्राफी पढ़ेंगे, और वेलफेयर जियोग्राफी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसी से जुड़ा हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ का मतलब 1973 में, हालांकि वो वेलफेयर जियोग्राफी की चीज़ है लेकिन मैं उसको आपको यहाँ बता रहा हूँ, डेविड स्मिथ और पॉल नॉक्स ने एक लेख लिखा था, द जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उसमें उन्होंने ये बताया है कि हम नेशनल इनकम और जीडीपी के बेस पे ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर किसी देश में जो ह्यूमन वेलफेयर है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। मतलब उनके कहने का ये मतलब था, जब उन्होंने यूएस में स्टडी करी तो उनको लगा कि यूएस में तो नेशनल इनकम में बहुत हाई है, जीडीपी भी हाई है, फिर भी इतनी पॉवर्टी वाली स्थितियां हैं। हमें अभी भी इंडिया में लोगों को दूर से देखने में लगता होगा कि वहाँ सभी लोग संपन्न है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी स्थितियाँ बहुत जगहों पर अच्छी नहीं होंगी। तो वही कहने का प्रयास करते हैं हमारे स्मिथ और नॉक्स महोदय कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम किसी भी देश में वेलफेयर या मानव कल्याण की जो स्थिति है उसको हम वहाँ के जीडीपी और जो वहाँ का नेशनल इनकम है इससे नहीं आंक सकते हैं। तो हालांकि वो वेलफेयर जियोग्राफी की चीज़ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ वहाँ से, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट लगभग मिलते जुलते हैं और दोनों का टाइम पीरियड भी लगभग एक जैसा ही है। वही वाली बात यहाँ पर है कि लोगों को, जियोग्राफर्स को भी लगा कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये डेवलप्ड कंट्री है तो यहाँ मानव कल्याण बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी गरीबी की स्थिति होगी, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो विद्वानों को लगा कि एक नई विचार आए, एक नई विचारधारा का उदय हो जो कि मानव का कल्याण कर सके, और इसलिए रेडिकल जियोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको मैंने इन 5 पॉइंट्स को तो बताया ही है, और भी बताने के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। और इसके पहले मैंने मेन कॉन्सेप्ट पे अच्छे से बात कर ली है, अब आइए जो हम लोग की सेकेंड हेडिंग थी और इस पूरे टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके इम्पोर्टेंट थिंकर्स, जियोग्राफर्स, विचारक जो भी आप कहें, वो लोग, इम्पोर्टेंट बुक्स उनकी और इम्पोर्टेंट मैगजीन्स। तो चलिए देखते हैं इसको फ्रेंड्स। जब भी रेडिकल जियोग्राफी की बात आती है तो सबसे बड़ा जो नाम आता है वो विलियम बुंगी का नाम आता है। कहीं कहीं पर आपको विलियम बंज भी लिखा मिलेगा, बहुत सारी हिंदी की बुक्स में विलियम बुंगी भी मिलेगा। तो आप हालांकि इंग्लिश वाले जो स्पेलिंग है उस पे जाएं, विलियम बंज भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो आप इसे विलियम बुंगी भी पढ़ सकते हैं, विलियम बंज भी पढ़ सकते हैं। मैंने हिंदी की बुक्स में बहुत जगह बुंगी पढ़ा हुआ है और बहुत जगहों पर मैंने बंज भी पढ़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग बुंगी से ही देखते हैं इसको, और मैंने आपको हिंट के लिए बता दिया क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं बुक में बंज पढ़ें तो आपको लगा कि यहाँ पर आपको गलत बताया गया, ऐसा नहीं है, दोनों नाम हैं, अब कोई एक सही होगा उसमें से, और दोनों का बहुत ज़्यादा यूज है, कहीं कहीं बंज लिखा है, कहीं कहीं बुंगी लिखा हुआ है। ठीक, तो चलिए हम बुंगी से ही देखते हैं। विलियम बुंगी, इन्होंने 1962 में एक बुक लिखी, थियोरेटिकल जियोग्राफी, सैद्धांतिक भूगोल। अक्सर पूछा जा सकता है, यूजीसी में पूछा जा चुका भी है इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, सैद्धांतिक भूगोल, थियोरेटिकल जियोग्राफी, 1962। ठीक है, इसके पश्चात 6 साल बाद इन्होंने क्या किया, डिट्रॉयट, डिट्रॉयट को आप जानते होंगे, यूएस का एक नगर है, वहां पर एक सोसाइटी की स्थापना की, सोसाइटी फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, मतलब 62 में एक बुक लिखते हैं और 6 साल बाद एक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इस सोसाइटी का काम क्या था, ये जो सोसाइटी बनाई इन्होंने, बुंगी महोदय ने, इस सोसाइटी का ये काम था कि इस सोसाइटी के जो सदस्य थे वो जियोग्राफर्स थे, वो जगह जगह जाएं समाज में और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुने। अब आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग मेन कॉन्सेप्ट मेन इस पे बात कर चुके हैं कि इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट ही ये था कि लोगों की समस्याओं का समाधान, और इसके लिए बुंगी ने 1968 में एक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, एक सोसाइटी बनाई जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। इसके पश्चात
1969 में, एक साल बाद, मैं क्रम से आपको बता रहा हूँ सब सारी चीज़ें, रेडिकल जियोग्राफी से संबंधित एक मैगजीन आई एंटीपोड, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी फेमस मैगजीन है एंटीपोड। एंटीपोड में क्या बताया गया है? एंटीपोड बेसिकली एक ऐसी मैगजीन है जिसके माध्यम से ऐसे प्रश्नों को रखा जा रहा था, क्योंकि मैगजीन्स तब उतना टेलीविज़न तो था नहीं, मैगजीन्स इत्यादि ही के ही माध्यम से लोगों को जानकारियां प्राप्त होती थी। तो एंटीपोड मैगजीन के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि जो लोगों की समस्याएं हैं, जो आम जनजीवन की प्रॉब्लम्स है, उनसे जुड़े प्रश्नों को पूछा जाए, रखा जाए, ऐसे प्रश्नों को सबके सामने लाया जाए और उनके समाधान पे बात की जाए। तो ऐसी चीज़ें बताई गई एंटीपोड मैगजीन में, जो कि पहले ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो एंटीपोड एक ऐसी मैगजीन, अगर आपको कभी एंटीपोड के बारे में बताना पड़े तो एंटीपोड के बारे में आप बता सकते हैं कि एंटीपोड 1969 में क्लार्क यूनिवर्सिटी यूएसए से पब्लिश हुई, और ये एक ऐसी मैगजीन है जो कि रेडिकल जियोग्राफी से संबंधित है। और इसको क्यों लाया गया? इस मैगजीन को इसलिए लाया गया जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के जीवन में, जो आम जनजीवन की समस्याएं हैं, उनसे जुड़े प्रश्न पूछे जा सकें, उनसे जुड़ी बातों को रखा जा सके, तो इसलिए एंटीपोड मैगजीन आई। तो ये रही बात रेडिकल जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट मैगजीन की, जिसका कि नाम है एंटीपोड। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1969 तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक। अब हम लोग क्रम से चल रहे हैं, अब आता है सन 1970। 1970 में विल्बर जेलेंस्की, विल्बर जेलेंस्की के बारे में आप जानते होंगे, अगर आपने जनसंख्या भूगोल पढ़ा होगा थोड़ा, तो आपको पता होगा कि एक बहुत ही महान पॉपुलेशन जियोग्राफर इन्हें माना जाता है, जनसंख्या भूगोल के बहुत ही बड़े विद्वान हैं ये। इनका एक रिसर्च पेपर आया, द रोल ऑफ जियोग्राफी इन द ग्रेट ट्रांजिशन, मतलब ये जो बदलाव का जो समय है उसमें भूगोल की क्या भूमिका हो सकती है। बदलाव क्या हो रहा था? जियोग्राफी के स्वरूप में बदलाव हो रहा था, भूगोल विषय का स्वरूप बदल रहा था। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भूगोल विषय अब सिर्फ विश्वविद्यालय का विषय नहीं था, सिर्फ स्कूल का विषय नहीं था, अब वो एक ऐसा विषय बनने की ओर बढ़ चला था जो कि लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। तो इस रिसर्च पेपर में इन्होंने भूगोलवेत्ताओं की तीन भूमिकाओं का उल्लेख किया है, मतलब कि एक भूगोलवेत्ता अपनी क्या क्या भूमिकाएं निभा सकता है, एज अ डायग्नोस्टिशियन, निदान करने वाला, अर्थात जैसे कोई डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उस प्रकार से जियोग्राफर जो आम जनजीवन की समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकता है। जियोग्राफर एज अ प्रॉफिट, भविष्यवेत्ता के रूप में, जिस प्रकार से भविष्यवेत्ता भविष्य बता देता है, उसी प्रकार जियोग्राफर भी वर्तमान समय की स्थिति को देख के आने वाली स्थिति के बारे में बता सकता है, और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी कर सकता है। एज एन आर्किटेक्ट, वास्तुकार, जैसा भविष्य हम चाहते हैं उसके लिए अगर हमें कोई खाका तैयार करना है तो वो काम भी हमारे लिए जियोग्राफर कर सकता है, जिस प्रकार से आर्किटेक्ट करते हैं घरों के संबंध में। तो इस प्रकार से जो हमारे जेलेंस्की महोदय हैं, इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में, और जिसका कि टाइटल था द रोल ऑफ जियोग्राफी इन द ग्रेट ट्रांजिशन, इसमें इन्होंने तीन रोल बताए हैं जियोग्राफर के, जियोग्राफर एज अ डायग्नोस्टिशियन, जियोग्राफर एज अ प्रोफेट और जियोग्राफर एज एन आर्किटेक्ट, मतलब कि एक भूगोलवेत्ता की इतनी भूमिकाएं हो सकती हैं। और एक चीज यहां मैं और ऐड करूंगा, 1970 की बात चल रही है और 1970 में ही अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स, अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ की जो एनुअल मीटिंग होती है, उसका उद्देश्य रखा था, उसका जो थीम था वो था जियोग्राफी एंड पब्लिक पॉलिसी, मतलब कि भूगोल और जो भी मानव के लिए, जो पब्लिक के लिए जो नीतियां बनती हैं वो, जियोग्राफी एंड पब्लिक पॉलिसी। इससे ये पता चलता है कि जो तत्कालीन समय है 1970 का, उसमें रेडिकल जियोग्राफी की प्रसिद्धि कितनी हो चुकी थी। मतलब अब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स की एनुअल मीटिंग का अगर थीम रखा जा रहा है जियोग्राफी एंड पब्लिक पॉलिसी, मतलब भूगोल किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके, उसके लिए हम जो पॉलिसीज बनाएं उसमें भूगोल का भी इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है, भूगोल को भी रखा जा रहा है पॉलिसी के फॉर्मेशन के लिए, नीतियों के निर्माण के लिए। तो इससे हमें एक हिंट मिल रहा है कि रेडिकल जियोग्राफी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त तक फेमस हो चुकी थी।
फ्रेंड्स, इसमें एक और इम्पोर्टेंट नाम आता है, इनके बारे में आप जानते हैं, डेविड हार्वे महोदय। डेविड हार्वे के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब हम लोग पैराडाइम का पहला वाला पार्ट देख रहे थे तो वहाँ एक बुक है, क्या आपको याद है? सोच के बताइए, मैं बता दे रहा हूँ, वो बुक का नाम है, डेविड हार्वे की जो बुक है, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, और एक दूसरी बुक थी एक्सप्लेनेशंस इन जियोग्राफी। ये दो बुक हार्वे महोदय ने लिखी थी जो कि पैराडाइम से रिलेटेड थी। हार्वे का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसमें, और रेडिकल जियोग्राफी में हार्वे की एक बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोशल जस्टिस एंड द सिटी, 1973। सोशल जस्टिस एंड द सिटी जो बुक है, इसमें इन्होंने बेसिकली इसी बात पे फोकस किया है कि यदि हमको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो हमें उसके सोर्स को जानना होगा कि कहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हो रही है। डेविड हार्वे की ये बुक के नाम को याद रखिए, सोशल जस्टिस एंड द सिटी, 1973, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये हार्वे महोदय की, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रेडिकल जियोग्राफी। और इसके पश्चात बहुत सारी बुक्स आई, और 4 साल बाद 1973 में भी हमने हार्वे की बुक देखी थी। 1977 में जे आर पीट, रिचर्ड पीट की एक बुक आती है, ये एक अमेरिकन जियोग्राफर थे, और इन्होंने लिखा है रेडिकल जियोग्राफी अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी हमारी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं। मैगजीन हमने एक देखी, एंटीपोड 1969, मैं फिर से रिवीजन के तौर पर आपको बता दे रहा हूँ सब। फिर हमने एक सोसाइटी देखी थी, सोसाइटी फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशंस। हम लोगों ने एक रिसर्च पेपर देखा था जेलेंस्की का, 1970 में, द रोल ऑफ जियोग्राफी इन द ग्रेट ट्रांजिशन। बुक्स की बात करें तो अभी हमने स्टार्टिंग से देख रही है देखी 1962 में थियोरेटिकल जियोग्राफी विलियम मोंगी की। इसके पश्चात 1973 में डेविड हार्वे की सोशल जस्टिस एंड द सिटी, और 1977 में हम लोगों ने देखा रेडिकल जियोग्राफी अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स। तो इस प्रकार से ये इसमें इम्पोर्टेंट बुक्स, मैगजीन्स, सोसाइटीज, रिसर्च पेपर, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और हालांकि अब जब आप इसकी और डीप स्टडी करेंगे, हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया है कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ ना छूट पाए, तो और भी ज़्यादा आपको मिलेगा इसमें मैटर, लेकिन इतना सफिशियंट होगा आपके लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप इतने का जिक्र कर देंगे तो बहुत ही सही होगा। और वास्तव में सबसे इम्पोर्टेंट यही सारी बुक्स इसमें हैं। फ्रेंड्स, फाइनली मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैंने बहुत जगह इस अध्याय में जिक्र किया है कि रेडिकलिज्म और वेलफेयर जियोग्राफी दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो एक है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, दोनों में मानव कल्याण की बात की गई है, लेकिन फिर इन दोनों को हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आया होगा। गरीबी, शिक्षा की समस्या, साफ सफाई की समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वही चीज़ें हम रेडिकल में भी देख रहे हैं। अभी आगे जब अगले चैप्टर में आप वेलफेयर देखेंगे तो वहाँ भी यही चीज़ें देखेंगे, लेकिन फिर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस होगा, नहीं तो हम एक ही पढ़ लेते दोनों चीज़ों को। अलग पढ़ने का रीज़न है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो आइए जल्दी से उस डिफरेंस को देख लेते हैं। बहुत ही ईजी डिफरेंस है। रेडिकल जियोग्राफी का जो टाइटल आपको याद होगा, क्रांतिपरक भूगोल, अतिवाद, उग्र सुधारवाद। उग्र सुधारवाद या क्रांतिपरक भूगोल का क्या मतलब होता है? उग्र सुधारवाद मतलब जो हमारे रेडिकल जियोग्राफर्स थे, ये बहुत तेजी से सुधार चाहते थे, और ये पूरे सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते थे, मतलब जो सिस्टम है उसी को बदल देना चाहते थे। और जो वेलफेयर है, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही रह कर कार्य करने वाले थे। तो अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, ऐसे अब आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका कोई घर है और आपको कुछ उसमें ठीक नहीं लग रहा, आप उस चीज़ को ठीक करना है घर के किसी हिस्से में, तो हो सकता है कोई ऐसा हो कि जो उस हिस्से को ही पूरा गिरा दे और वहाँ फिर से नई चीज़ का फॉर्मेशन करे, और कोई हो सकता है ऐसा भी हो सकता है जो उस चीज़ को गिराए ना पूरा, थोड़ा बहुत काट छांट करके उसी में सुधार करते केवल। तो यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जो रेडिकल जियोग्राफी के समर्थक हैं, जो रेडिकल जियोग्राफर्स हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो तेजी से सुधार चाह रहे हैं। अब गिराने में तो समय लगेगा नहीं, तुरंत आप बना देंगे, फिर जल्दी से उस चीज़ को सुधार करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको बारीकी से उस चीज़ में सुधार करना पड़ेगा।
तो जो हमारे रेडिकल जियोग्राफर्स हैं वो यही कर रहे हैं, वो पूरे सिस्टम में बहुत ही तेजी से बदलाव लाना चाहते हैं और पूरे सिस्टम को ही बदल देना चाहते हैं, क्रांतिकारी बदलाव की बात करते हैं। लेकिन जो हमारे वेलफेयर वाले हैं, वेलफेयर जियोग्राफर्स हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं, हमें तेजी से क्रांतिकारी बदलाव नहीं करना है, हमें पूरे सिस्टम को नहीं बदलना है, बल्कि हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम में रहकर ही काम करना है और जो भी चीज़ें हैं उनमें सुधार करना है, मानव कल्याण के लिए कार्य करना है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है वेलफेयर एंड रेडिकल जियोग्राफी में। दोनों की जो कह सकते हैं विचारधारा है वो एक है, दोनों मानव कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। रेडिकल जियोग्राफी वाले पूरे सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं, और जो वेलफेयर जियोग्राफी के समर्थक हैं ये एग्जिस्टिंग सिस्टम में रहकर ही काम करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है रेडिकल जियोग्राफी, रेडिकलिज्म में और वेलफेयर जियोग्राफी में। फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग इस टॉपिक की आलोचना देख लेते हैं और इसका निष्कर्ष आप कैसे देखेंगे। ध्यान से सुनिए ऑडियो को, और मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं उन चीज़ों को बस आपको बता दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। कुछ इसकी आलोचनाएं हैं, ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, 3-4 पॉइंट देखेंगे। सबसे पहली इसकी आलोचना है कि इस विचारधारा के जो भूगोलवेत्ता थे, पहले तो ये इस विषय पर बल ये देते थे कि वे समस्याओं का समाधान कर लेंगे, लेकिन वे किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, बल्कि समस्याएं कम होने की बजाय और बढ़ गई। सोसाइटीज बनी, मैगजीन्स आई, बुक्स लिखी गई, बहुत सारे काम हुए, लोग जाग जा जा के समाज में समस्याओं का समाधान करने लगे, लेकिन वास्तव में लोगों की समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। तो इस प्रकार से जो इनका विचार था, विचार तो इनका अच्छा था, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हो सके। और सभी जो इस क्षेत्र में बड़े बड़े विचारक थे वो पुरुष ही थे, महिलाओं को इससे नहीं जोड़ा गया था। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आगे चलकर फेमिनिस्ट जियोग्राफी के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी रहीं, मतलब कि महिलाओं को इससे नहीं जोड़ने का प्रयास किया गया था। ये हालांकि उतनी बहुत ज़्यादा बड़ी इसकी आलोचना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इसकी आलोचना पर्सनली मेरे हिसाब से, जो मैंने पहला वाला पॉइंट बताया कि इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था, लोगों की समस्याओं का समाधान, लेकिन ये लोग उस समाधान को कर ही नहीं पाए, फेल हो गए उसमें। और तीसरा इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका क्रिटिसिज्म होता है इसका प्रभाव। जैसे मात्रात्मक क्रांति जब आई, तो मात्रात्मक क्रांति ने बिल्कुल अपना एक तरीके से कब्जा जमा लिया, बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे फैल गई बहुत ही कम समय में, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। लेकिन जो हमारा रेडिकल जियोग्राफी है, जो ये क्रांतिपरक भूगोल है, इसका विस्तार उतने ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं हो सका। तो ये बेसिकली कुछ इसकी प्रमुख आलोचनाएं हैं। इसका जो प्रभाव था वो छिटपुट प्रभाव था, कहीं हो रहा है, कहीं इसको माना जा रहा है, कहीं नहीं माना जा रहा है। तो जो जिस बड़े लेवल तक फैल पाई थी मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, पॉजिटिविज्म, वो काम रेडिकल जियोग्राफी में नहीं हो सका। यद्यपि बुक्स बहुत लिखी गई, मैगजीन्स आई, सोसाइटीज बनी, बड़े बड़े विद्वान आए, इस क्षेत्र में काम बहुत हुआ, लेकिन जितना इन्फ्लुएंस क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का हुआ, वो इन्फ्लुएंस, वो अपना डोमिनेंस रेडिकल जियोग्राफी नहीं दिखा पाई। तो ये कुछ इसकी आलोचनाएं हैं, आप इसे मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि आपको लिखना क्या है। अब चलिए फाइनली हम लोग निष्कर्ष पे बात करते हैं और इस चैप्टर का एंड करते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे कि उपरोक्त विवरण से बिल्कुल स्पष्ट है या पूर्णतया स्पष्ट है कि जो रेडिकल जियोग्राफी है ये मानव कल्याण की बात कर रही है, मनुष्य की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की बात कर रही है। लेकिन हम मात्रात्मक क्रांति की जो विधियां हैं, जो मैथ, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स है, या जो बिहेवियरल जियोग्राफी की चीज़ें हैं, उनको भी हम नहीं नकार सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ भूगोल को मनुष्य की समस्याओं के समाधान का विषय ही नहीं बना सकते हैं। हाँ, जियोग्राफर्स अपनी एक भूमिका वहाँ अदा कर सकते हैं, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन पूरे के पूरे जियोग्राफी सब्जेक्ट को ही हम एक समस्याओं के समाधान वाला सब्जेक्ट बना दें और इसका जो मूल विषय है उससे हटा दें, से ये चीज़ भी उचित नहीं है। तो सही क्या है हमारे लिए, सही यही है कि हमारी जो पद्धति हो वो बिल्कुल लचीली हो और हम जब हमें आवश्यकता पड़े तो भूगोलवेत्ता का काम है कि वो अपनी जो स्टडी है, जो जियोग्राफी में वो कर रहा है, वो करता रहे, और जब आवश्यकता पड़े तो वो एक नीति निर्धारक के रूप में भी अपनी भूमिका अदा कर सके, जो पब्लिक पॉलिसीज हैं उनके फॉर्मेशन में भी अपना कोई सहयोग दे सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा,
वो अपना काम भी करता रहेगा जो जियोग्राफर्स का काम है, और साथ ही साथ मानव कल्याण के लिए अगर अगर कभी जियोग्राफर की जरूरत पड़ती है तो वहां पर भी वो अपना सहयोग दे सकेगा। तो फिलहाल अगर इस तरीके से काम होगा तो दोनों में सामंजस्य बना रहेगा और जियोग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अध्ययन हो पाएगा। तो फिलहाल इस अध्याय में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको रेडिकल जियोग्राफी का ये अध्याय ज्ञानवर्धक लगा हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानी हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि सभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ। अगर आप यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी यूजी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के, या फिर जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए देख रहे हैं, तो हर जगह ये जो भी मैटर मैंने यहाँ पे आपको बताया ये उपयोगी आपके लिए साबित होगा। और फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।